Good morning, dear students. Welcome to maths class. Students, in the last video, we have done 1 to 4 questions of exercise 10.4. Today, we will do its 5th question. Question is given: 3 girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. वो क्या है, एक पार्क में एक सर्कल बनाया हुआ है इन्होंने 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर जिसकी क्या है, रेडियस है, और वो तीनों सर्कल के ऊपर खड़ी हैं। रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को बॉल डाल रही है, बॉल दे रही है, थ्रो कर रही है उसकी तरफ, सलमा मंदीप को और मंदीप वापिस रेशमा को। हिव द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा और बिटवीन सलमा एंड मंदीप इज 6 मीटर ईच। यदि क्या कहा उन्होंने, रेशमा और सलमा और मंदीप दोनों का डिफरेंस 6 मीटर ईच है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप। उन्होंने पूछा है कि जो रेशमा और मंदीप है उन दोनों का डिस्टेंस बताओ। बेटा ये क्या है, एक सर्कल है जिसमें वो खेल रहे हैं, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है बेटा, 5 मीटर, इट मीन्स दिस वन ओ एस 5 1। देखो ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशमा, एस सलमा एंड मंदीप। उन्होंने कहा है रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मंदीप एंड मंदीप टू रेशमा। हिव द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मंदीप इज 6 मीटर इच। जो रेशमा और सलमा का डिफरेंस है वो कितना है, 6 मीटर, और सलमा और मंदीप का क्या है, 6 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप, रेशमा और मंदीप का हम से डिफरेंस पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे, इनको लाइन लगा लेंगे, तभी तो हम दोनों का डिफरेंस बता पाएंगे। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर एम, ठीक है बेटा। मैंने ये ओ आर और ओ एम क्या रिप्रेजेंट करा है, क्या है ये, मैं सेंटर से लेके गई हूँ सर्कल पर, तो ये कौन है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये कितनी है बेटा, 5 मीटर, एंड इट इज ऑल्सो 5 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट आर एम। देखो बेटा हमने इसमें सभी में पीछे भी हमने क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया था, तो ये ट्रायंगल है बेटा, इसमें हम एक को बेस मानकर और इसको पहले हमने हाइट प्रूव करना है, एल्टीट्यूड प्रूव करना है। कैसे वो प्रूव होगा, जब ये 90 डिग्री का, तो पहला हमारा क्या काम है, वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। वो कैसे करेंगे बेटा, हम देखते हैं। देखो पहले हम लिखेंगे गिवन, कि क्या क्या हमें गिवन है, वी आर गिवन ओ एस, जो ये ओ एस है, ओ आर है और ओ एम है, ये मैंने बराबर कहा है ना, क्यों, रेडियस है ये सारी, ओ एस ओ आर एंड ओ एम क्या है, ये कितनी है, 5 मीटर, मीटर ध्यान रखना बेटा क्योंकि क्वेश्चन में मीटर ही गिवन है। उसके बाद आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर, ये भी गिवन है हमें, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर एम, ठीक है, आर एम हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करी, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, मैंने एक तो ओ आर ड्रॉ कर लिया, ओ एम ड्रॉ करा और साथ में आर ओ एम को मिला दिया। मैंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ आर ओ एम ओ एस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, जो ये सेंटर है, आपको पता है जब हम सेंटर से कोड पर जब हम सेंटर से कोड पर जब हम कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है वो, बाइसेक्ट। इट मीन्स ये जो ओ, इसका नाम लिख लो आप एन, जो ये ओ एन है वो 90 डिग्री का एंगल है, ओ कोड को ये बाइसेक्ट करता है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, तो हमने क्या करा, ड्रो ओ एन परपेंडिकुलर ऑन आर। इसके बाद हमने बेटा देखो, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर एम, ठीक है, इसको बीच के पॉइंट को पी मान लो, मैंने यदि मैं आर पी, इस ट्रायंगल में आर पी की वैल्यू निकाल लू, ठीक है, तो मैं इसको डबल करके इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो आपको पहले ये वाली ट्रायंगल लेनी है, अब ट्रायंगल आपको दो ट्रायंगल नजर आ रही है, ट्रायंगल, अब मैंने यहां, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ये 90 डिग्री के प्रूव करने हैं हमने एंगल, तो
तो एंगल प्रूव करने के लिए हम पहले इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव द एंगल ऑफ 90 डिग्री. देखो हम कौन सी लाएंगे ट्रायंगल, यहां क्या लिखोगे प्रूफ. कौन कौन सी ट्रायंगल ली हमने, इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस ये वाली, ठीक है ओ आर एस एंड, और नीचे से लिखो ओ एम एस, ओ एम एस. देखो ओ एम इज इक्वल टू ओ आर, देखो ओ आर ओ एम क्या इक्वल है, क्या लिखोगे आप, वो किसके बराबर है, 5 मीटर के, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है. उसके बाद जो ओ एस है वो ओ एस के इक्वल है, कॉमन साइड है, ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, क्या है ये कॉमन साइड, ठीक है. उसके बाद आर एस और एस एम गिवन है, आर एस इज इक्वल टू एस एम किसके बराबर है, ये 6 मीटर गिवन, ठीक है. तो जब मैंने तीनों साइडें बराबर कर दी, देन वी कैन से सो बाय रूल ऑफ एस एस कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल ओ आर एस कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ एम एस के. जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी, देन वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल वन एंड एंगल टू, सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है. क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी. अब मैंने तो यहां पर ये एंगल निकाला है 90 डिग्री का, अब हम लेंगे कौन कौन सी ट्रायंगल, एस पी आर, सो दैट वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल. देखो एस पी आर और एस पी एम कौन कौन सी लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एस पी आर एंड ट्रायंगल एस पी एम. देखो एस पी दोनों में क्या है, कॉमन है, एस पी इज इक्वल टू एस पी कॉमन. उसके बाद जो हमारी ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड. उसके बाद एस आर और एस एम गिवन है हमें, एस आर इज इक्वल टू एस एम 6 मीटर गिवन. हमने दो साइड और एक एंगल प्रूव कर दिया, तो क्या लिखोगे, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एस पी आर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एस पी एम के. जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, देन वी कैन से दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4, दिस वन एंगल, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सी पी सी टी. अब देखो जो एंगल 3 और एंगल 4 है, ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. क्या लिखोगे यहां पर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. और अभी हमने ऊपर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर करे हैं, तो एंगल 3 इसकी जगह में भी एंगल 3 लिख सकती हूं, ठीक है. तो 1 और 1 क्या बन गया, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड 90 डिग्री, ठीक है बेटा. तो अब ये मेरे पास 90 डिग्री का आ गया, तो ये एल्टीट्यूड बन गया ना. मैंने यही प्रूव, मैंने क्या कहा था आपको, ये एल्टीट्यूड प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. अब लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस आर क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड 1/2. देखो ओ एस आर में बेस कौन है, ओ एस, और हाइट कौन है, पी आर. देखो बेस कौन है, ट्रायंगल कौन सी लिया हमने, ओ एस आर, बेस क्या बन गया ओ एस, और हाइट क्या बन गई पी आर, ठीक है. अब इनकी वैल्यू रख दो 1/2, ओ एस की वैल्यू कितनी है 5 है तो गिवन है, बट पी आर की हमें वैल्यू पता नहीं, ठीक है. तो ये हमारा एरिया आ गया ट्रायंगल ओ एस आर का. अब जरा फिगर में देखो, जो हमारी ये ट्रायंगल ओ एस आर है, अभी तो मैंने इसको एल्टीट्यूड, मैंने ये भी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो हम इससे क्या निकालेंगे, इससे भी एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ओ एस आर का. अब बेस क्या बन जाएगा एस आर, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें एस आर गिवन है, पता है हमें कि वो 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, ठीक है. तो हम यहां से क्या करेंगे, 6 मीटर हो गया, और इधर से ये कौन है एल्टीट्यूड है ओ एन.
अब ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम ये पाइथागोरस निकाल लगा के पहले ओ एन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ओ एन की वैल्यू नहीं पुट करके ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, फिर जो ये ट्रायंगल का एरिया आएगा उसको हम जो हमें एरिया भी हमने निकाला था दोनों को इक्वल पुट करके, देन वी कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ लेंथ ऑफ पी आर। ओके बेटा, बेटा अब हमने कौन सी ट्रायंगल है, ये ओ एन आर में ओ एन परपेंडिकुलर डाला था ना अभी हमने एस आर पे, और जो हम वो क्या करता था एस आर को क्या कर रहा था, दो भागों में बांट रहा था ना, तो जो आर एन है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एस आर, और ये क्या बन गया 6/2 3 मीटर। अब हम यहां से पाइथागोरस लगा के ओ एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ओ एन स्केयर किसके बराबर आ गया, ओ आर स्केयर माइनस एन आर स्केयर, क्यों ये कौन है ओ एन, हाइपोटेनस का स्केयर कौन है ये, तो बेटा ये एल्टीट्यूड का स्केयर क्या बन गया, हाइपोटेनस का स्केयर माइनस बेस का स्केयर, ठीक है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ओ एन स्केयर किसके बराबर है, ओ आर गिवन है 5 क्योंकि ये तो क्या है उसकी रेडियस है, और एन आर हमने निकाली 3 का स्केयर, तो ओ एन किसके बराबर बना, 5 5 25 3 3 9 एंड इसका अंडर रूट 16 का अंडर रूट एंड इट कम्स 4 मीटर। ठीक है अब हम एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ओ एस आर ट्रायंगल ओ एस आर, अब हाफ बेस हमने माना है एस आर बेस माना है और ओ एन को हमने परपेंडिकुलर मान लिया, हाफ बेस क्या है हमारा एस आर गिवन है 6 है और ओ एन अभी हमने निकाल ली है, ठीक है ये क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब ये भी ट्रायंगल ओ एस का एरिया है और जो हमने पहले निकाला था ये इक्वेशन 2 है और वो इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1/2 5 × PR = 12। यहां से देखो वैल्यू निकाल दो PR की, PR किसके इक्वल आ गया बेटा 12 × 2/5, क्यों 2 क्या है इसके डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है 12 × 24/5 5 × 4 = 20 4 × 5 = 40। ठीक है बेटा ये क्या आ गया 4.8 मीटर। ठीक है और एस एम आर क्या है इसका डबल है, MR = 2 × PR = 2 × 4.8 एंड इट बिकम्स इक्वल टू 9.6 मीटर। ओके बेटा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस क्या है 20 मीटर है, थ्री बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड वाज आर सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इक्वल डिस्टेंस गिवन है बेटा कि जो अंकुर सैयद और डेविड है वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं सर्कुलर पार्क के अंदर, ऑन इट्स बाउंड्री उसकी बाउंड्री पे इट मीन सर्कल के ऊपर बैठे हैं, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन उनके हाथों में क्या है एक टॉय टेलीफोन है टू टॉक ईच अदर जिससे वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है बातें कर रहे हैं वो फ्रेंड्स की तरह, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन जिस हमने उस धागे की लेंथ बतानी है जिनसे जो उनके फोन है वो कनेक्टेड है, लेट अस डू। देखो बेटा ये क्या हमारा एक सर्कुलर पार्क बन गया, ठीक है उसमें उसने यही कहा ना सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20, इसकी जो रेडियस है वो क्या है 20 है, ठीक है ये क्या बन गया हमारी रेडियस और ये क्या है 20 मीटर। उसके बाद है थ्री बॉयज, ये देखो अंकुर सैयद एंड डेविड ये तीनों एक एक उस पर बैठे हैं और इनकी जो ये तीनों साइड्स हैं वो बराबर है इट मीन्स इक्विलेटरल है, ये जो ट्रायंगल हमारी ए एस जी बनी है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि वो स्ट्रिंग निकालो, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए एस एस डी और ए डी ये तीनों बराबर है, ठीक है तो गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन क्या है हमें ओ एस इज इक्वल टू ओ ए, ये ओ ए भी निकालो क्योंकि देखो ओ ए और ओ एस दोनों का ना रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, तो ये किसके बराबर है हमें 20 मीटर के बराबर है और हमें गिवन है ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है ये गिवन है हमें कि बराबर है टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है ए एस एस डी एंड ए डी फाइंड आउट करना है, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली क्या बेटा, अभी मैंने क्या बताया था आपको
इन वाले न्यूमेरिकल्स में हमने फॉर्मूला लगाना है अपना, ठीक है। तो अब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली, क्या करा हमने, परपेंडिकुलर डाल लिया ए ई ऑन द कोण एस डी, क्या लिखा हमने, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कर ली बेटा हमने कि ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन एस डी, ठीक है। उसके बाद लेट, मान लिया हमने ए एस एस डी और ये ए डी तीनों बराबर है, लेट ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टू एक्स। टू एक्स क्यों माना बेटा, उससे ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो सके, ठीक है। उसके बाद जो ये ए ई है वो मिड पॉइंट है एस डी का, हमने करा था ना, जो सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोण को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो जो एस ई है वो क्या है, एस डी का हाफ है, क्या लिखेंगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एस डी, सो एस ई इज इक्वल टू टू एक्स बाय टू, क्यों हाफ है, टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद एस ई तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, ए एस, हमने तो ए एस निकालना है ना, हमने कौन सी ट्रायंगल ली, ए ई एस, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, देन वी कैन, ये कौन है इसका बेस, ठीक है, ये कौन है परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया हमारा हाइपोटेन्यू, क्या लिखोगे आप, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई एस, ए एस का स्क्वायर फॉर्मूला ना ये, ए ई स्क्वायर प्लस एस ई स्क्वायर, एंड ए एस हमने अभी मानना है कितना है, ये टू एक्स है, इसकी जगह टू एक्स लिख दो, टू एक्स ए ई, ए ई हमने फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता ये कितना है, ठीक है। और एस ई अभी हमने निकालना है एक्स का स्क्वायर, तो टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए ई स्क्वायर किसके बराबर बन गया बेटा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया थ्री एक्स स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड आउट ए, तो इसका क्या कर देंगे हम अंडर रूट, जब मैं इसका अंडर रूट करूंगी तो ये अंडर रूट थ्री रह जाएगा, और अंडर रूट से स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ एक्स बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, समझ आएगा क्यों निकाला हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट और अंडर रूट क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये ए ई है, अब ये कंप्लीट आई है हमारे पास, ए ई कंप्लीट आ गया अंडर रूट थ्री एक्स, ठीक है। अब हमें एस ओ पता है कि ट्वेंटी है, और एस ई भी वहां पे पता है कि एक्स है, बट हमें ओ ई नहीं पता, यदि इस ट्रायंगल में हमें ओ ई पता चल जाए तो हम इस ट्रायंगल के जरिए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओ ई किसके बराबर है बेटा, देखो ए ई माइनस ओ ए, देखो ना ये ए ई हमने फाइंड आउट कर लिया अंडर रूट थ्री एक्स है, और ओ ई हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें ओ ए पता है कितनी है, ये ओ ए ट्वेंटी है, गिवन है ये हमें, तो क्या लिखोगे आप, ओ ई इज इक्वल टू ए ई माइनस ए ओ, ओ ई इज इक्वल टू ए ई क्या है अंडर रूट थ्री एक्स, और ये क्या है ट्वेंटी, ये ओ ई की वैल्यू आ गई। अब इन, अब हम ये छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे ओ ई एस, क्योंकि हमें एस ओ भी पता है और ओ ई पता है और एस ई भी पता है, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ई एस, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस एस ई स्क्वायर, ओ एस क्या है अभी हमने निकाला है, गिवन है ना ये ट्वेंटी, क्योंकि ये तो रेडियस है उसकी, और ओ ई स्क्वायर अभी हमने निकाला है अंडर रूट थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी स्क्वायर प्लस एस ई किसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर अभी हमने निकाला था यहां पर एक्स, तो ट्वेंटी का स्क्वायर कितना होता है फोर हंड्रेड इज इक्वल टू अंडर, इसको ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, देखो ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, लगा दो इसमें फॉर्मूला, ब्रैकेट लगा लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पहले ये ए है सारा और ये कौन है बी, तो फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए
बी, ठीक है, प्लस एक्स के, तो ये 400 किसके बराबर हो गया, अंडर रूट से कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ गया 3x आ गया सिंपल। स्क्वायर क्या आ गया बेटा ये, क्योंकि देखो ये कैंसिल हुआ, एक्स का तो नहीं कैंसिल हुआ ना, अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये 3 रह गया और एक्स का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 20 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 400 माइनस 22 जा 40 अंडर रूट 3 एक्स, एक्स ये वाला, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ था। अब 400 एक तरफ ले जाओ इनको, 400 और सारा इधर ले जाओ, क्योंकि ये तो एक्स वाले हैं ना सारे, ये क्या आ गया 3x और 1x 4x स्क्वायर माइनस 40 अंडर रूट 3x। अब देखो 400 में से 400 चला क्या है, जीरो आ गई, जीरो इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40 अंडर रूट 3x। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 3x। अब देखो मैं इधर लाई तो ये माइनस का बन गया ना, इधर प्लस का तो ये माइनस बन गया और ये माइनस का, तो माइनस है माइनस कैंसल। अब हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ गया 1x से 1x कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 से 10 10 अंडर रूट 3, ठीक है, ये तो x की आई है, बट हमें तो 2x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये तो हमारा s था ना, s e निकालना है, तो हमने तो s d की वैल्यू निकालनी है, तो s d किसके बराबर आ गया बेटा 2x, 2 मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट 3 और ये क्या है 20 अंडर रूट 3 मीटर। एस डी की भी यही वैल्यू आएगी और किसकी आएगी, ए एस की और ए डी की, क्योंकि तीनों के आपस में बराबर है। ओके बेटा।